ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਵ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ ਚਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਹੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਆ ਐਸ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ अच्छा उन्होंने की पता की जरूरत सी पंजाब आरडीएफ की जरूरत है नहीं सी आ मेरे साथी चले गए चलो खैर उतो जाते क्योंकि उन्होंने कोई जवाब है नहीं असल च मैं तो कहना अगली बार स्पीकर साहब इन्होंने बुलाया ही ना करो 15 मिनट जाना होंगे फायदा कोई वो कोई ना कोई रौला पा के बाहर निकल जाते इस वक्त तो घरे जाके आराम ना सौंगे होने तो एसी ला के केंद्र सरकार बड़ी जल्दी एक अद्धे हफ्ते च ही सानू फंड जारी कर दूगी नहीं तो फिर 1 जुलाई नू सुप्रीम कोर्ट खुल रही है सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब सब तो पहला मैं धन्यवाद करदा माननीय खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया जी का जिहड़े प्रस्ताव लेके आए ने कि आरडीएफ यानी कि रूरल डिवेलपमेंट फंड उहदा जिहड़ा पैसा है जो साडा हक है वह केंद्र नहीं दे रहा उहदे नाल साडे पेंडू विकास ढांचे ते असर पै रहा है मैं इस प्रस्ताव के हक च ते केंद्र सरकार की निखेधी करने लई क्यों नहीं वो पैसे दे रहे मैं खड़ा हुआ सर मेरे बहुत सारे साथियों ने बोलते हुए दस्या कि किमें जिहड़ा ये पैसा है वो पिंडां दे विकास लई वरत्या जांदा है शुक्र है राणा जी आजाद उम्मीदवार बन गए नहीं इन्हों भी लांबे आने से इन्होंने खुद ही कहता कि जोड़ा पहला वाला पैसा सी 4600 करोड़ रुपया उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया गया जी उन्होंने ता रोकया सी मैं सारी हिस्ट्री दसदा इस पैसे की उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया जी कैप्टन साहब ने इनू कहें अंग्रेजी च फाइनैशियल इनडिसिपलिन उन्होंने चाके पैसे रोकते ही तुम लै किसी होर काम वास्ते दे कित होर जाने हो असं नहीं थोड़ा पैसे देंगे पहला एक्ट बनाओ कि पैसा सिर्फ इत्थे यूज होगा गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की आ गई असी एक्ट बनाता जी कि पैसा इत्थे यूज होगा क्योंकि साढ़े दिल च कोई छल कपट नहीं ना ही कोई भतीजे भांजे का चक्कर है ना ही कोई सारे जीजे का चक्कर है साढ़े यही है भी लोगों की लगे पैसा तो असं उन्होंने को गए कहते हाँ ये बहुत वधिया हूँ थोड़े पैसे तुम्हें जारी कर देंगे मीटिंग हुई माननीय फूड सप्लाई मंत्री ना पीयूष गोयल जी ना अफसर गए मेरे सारे बैठे ने हाँ पक्षी हुंगारा असं बड़े खुश आए अभी धन्यवादी लैटर भी लिखता भी बहुत धन्यवाद जी तुम पैसे साढ़े जारी कर देंगे जो ये मीडिया च आ गया जोड़े उदू तो हाँ बैठे ने वो कहते इदा किमें रोको पैसा फिर रोक लिया जी फिर उदू तो हाँ को गए भी पंजाब का पैसा जी दे दो वो भी कहते की करिए बस इदा ही है सो सेंटर जोड़ा ना वह नॉन बीजेपी सरकार ऐसे तंग करता है जी चाहे बंगाल की गल कर लो केरला की गल कर लो तेलंगाना की गल कर लो तमिलनाडु की गल कर लो दिल्ली की गल कर लो पंजाब की गल कर लो उन्होंने तंग करने वास्ते एक एक बंदा बिठा रखा है सारिया स्टेटा च उन्होंने कहते ने राजपाल वैसे गवर्नर भी कह देंगे अंग्रेजी च अंग्रेजों में तो होंगे कामें वायसराय घर
भी उन्होंने उही ने बड़े बड़े तोपा लगिया ने मतलब घर के मूहरे तोपा लगिया ने बंदा कौन अंदर बढ़ने की हिम्मत कर लूगा वो की करते रहेंगे जे दो तीन दिन तंग ना कर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर कोई चिट्ठी ना लिखन या फिर कोई पंगा ना पा तो फिर सेंटर सरकार वालों उन्होंने फोन आता तैनू राजपाल लाए का की फायदा भी तू तंग ही नहीं कर रहा जी आ चीज है ना आ बहुत बड़ी किताब है जी स्पीकर साहब तुम सोच सकते हो कि है ये मैं कोई RDF बारे कोई होमवर्क नहीं लिख के लिया मैं किसी बिल बारे लिख के नहीं लिया यह मानयोग राजपाल दे मैनू लिखे हुए लव लैटर ने जी आज कोई इन्हें नहीं आए बेले बैठे होते हैं कम दिन ये चाके लैटर लिख दो फिर कहें जवाब क्यों नहीं देंगे दे। सरकार चला लेने दो जी इलेक्टेड हाँ एस हाउस बारे भी कहते सी की जरूरत सी अच्छा उन्होंने की पता की जरूरत सी पंजाब RDF की जरूरत है नहीं सी आ मेरे साथी चले गए चलो खैर उतना ही हो जाता है क्योंकि उन्होंने कोई कोई जवाब है नहीं असल च मैं तो कहना अगली बार स्पीकर साहब इन्होंने बुलाया ही ना करो 15 मिनट जाना होंगे फायदा कोई वह कोई ना कोई रौला पा के बाहर निकल जाते इस वक्त घर जाके आराम ना सौंगे होने तो AC ला के आ लैटर ने जी जवाब भी दिने जी बहुत जवाब दें बहुत कह दें भी थोड़ा टाइम मिल जाए तो जवाब दे देंगे कोई गल नहीं सो ये RDF का ये लिंक है जी फर्ज बनता गवर्नर का कि वह पंजाब के हक के उपर जाके सिफारिश करे कि पंजाब का पैसा दो गवर्नर पंजाब है वो उल्टा करता वो यूनिवर्सिटी बारे हरियाणे वालों बोली जाता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हरियाणे के कॉलेज पा लो मैं पूछा उन्होंने मैं तुम कि पास आए हो अज हरियाणा वालों या पंजाब वालों सो मतलब सीधे ही हो गया कि जो राजभवन ने वो सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर बन गए मुख दफ्तर हैड ऑफिस बन गए कोई पैसा नहीं आने देंगे कोई स्कीम नहीं आने देंगे साडा हक बनता सी भीख मंग रहे RDF का पैसा साडा अपना है 3622 करोड़ है जी 3622 करोड़ पूरे पंजाब दी सड़क चमका देंगे देन तो सही सानू पंजाब दी मंडियां बिच आ गई सर स्पीकर साहब मंडियां बिचाले आ गई पहला बनाई सी पिंडां दे बाहर हुण आबादी उहदे आले दुआले आ गई मंडियां बाहर कढ़नियां पैणगियां पैसा कित्थों RDF दा पैसा सी वरत सकदे सी उन्हें कोई होर कोई तरीका नहीं पैसे रोक लो तो उस स्टेट के पैसे रोकी जाते जिन्होंने आजादी लैके दी जिन्हें करके तुम प्रधानमंत्री बने बैठे हो तुम खुराक मंत्री बने बैठे हो उस स्टेट का कोई कीमत है शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होर की या शहीद ऊधम सिंह होर की करतार सिंह सराभे होर की कुर्बानी की कोई कीमत है सर ये 3622 करोड़ ठुड्डा नहीं मार दो ये पैसे रोक के साढ़े ते सानू बाम रोड़ लेंगे साड़ी सो इस करके मैं कहना कि कली स्कीम नहीं बहुत सारे स्कीमों के पैसे रोकी बैठे है पर जिस तरह मेरे साथी बोल रहे सी दाना सुक्का हो गया दाना सुंबड़ गया धुप तो ज्यादा पेगी ठंड ज्यादा पेगी 20 रुपये कट्टांगे 22 रुपये कट्टांगे ये साढ़े ते पैंदा जी साढ़े ते पैंदा 70 करोड़ रुपये पे जी इस बार कहिंदे दाणा छोटा सुंगर गया 21 रुपये कट्टांगे क्विंटल दे असी दित्ते ते फिर जे असी ना देईए दाणे जे एक बारी पंजाब रोक ले एक बारी पहला मैं छोटा जिहा हुंदा सी उदों मैं पढ़दा हुंदा सी कोई किसान यूनियन दा एक चलिया सी भाई लोको कणक रोको जे असी फसल रोक ली सर फिर की करनगे वो
उधर तो यूक्रेन की जंग करके उधर तो है नहीं, दुनिया तो भुखी मर ला दी अद्धी, तो इन्हों को पीडीएस वास्ते दाने है नहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वास्ते, जे पंजाब ने कहता भी असी नहीं देंगे फिर ही करेंगे, पर नहीं पंजाब बहुत बड़े दिल वाला है, पंजाबी बहुत बड़े दिल दरिया दिल पंजाबी ने, कहने कोई गल नहीं यार असी तो जानवरों वास्ते भी छड़ दें, खेत दे विच चलो ये जनावर चुग लैणगे, असी भुखे नहीं मरन देना किसी नूं, पर इन्हां नूं अपनियां हरकतां ते ध्यान देना चाहिए। मेरे को दो तीन ऑफर आई ने स्टेटा दियाँ, सीधे ही मंगते ने वो, मैं कह दे देंगे, मैं एफ सी आई कमेटी का मैंबर हाँ जी, जो मैंबर पार्लीमेंट से मैं तो एफ सी आई वाली कमेटी का मैं मैंबर, एफ सी आई भजन फिर दी है जी भी पंजाब तो खड़ा छड़ा दो हरियाणा तो खड़ा छड़ा दो, क्योंकि साढ़े मंडी सिस्टम बहुत कमाल है, असी उड़ीसा तो मध्य प्रदेश तो बिहार चो झारखंड चो यूपी चो उधरों खरीद लिया करें, क्योंकि उत्थे एम एस पी भी देनी पैंदी, हुण सानू की कहिंदे ने, सानू कहिंदे ने यूपी ते बिहार वांगू 0% ते आओ, मैं कहिंदा तुसीं सानू यूपी ते बिहार नाल किवें कंपेयर कर सकदे हो, यूपी दे विच या बिहार दे विच 300 किलोमीटर दे रेडियस च मंडी है, 3.5 किलोमीटर दे रेडियस च मंडी है जी, साढ़े नाल किवें कंपेयर कर लैणगे वो यूपी ते बिहार नूं, इहदा मतलब सीधा ही है भी इनडायरेक्ट जिहा जवाब है, सो 0% तो कर दिया कर लिया जी, इस बार कहते 0% पैसे फिर रोक ले। स्पीकर साहब ये दमनकारी नीतियां जिहड़ियां उन्हां दियां बहुत ही देर चलनिया नहीं, क्योंकि काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, भावें कोई ऑर्डिनेंस लिया के भावें बाई इलैक्शन भावें कोई होर तरीका वरत के वो चुनिया हुई सरकारां नूं तंग करदे हैं,